हेलो एवरीवन, आई एम इनल मून, लेक्चरर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ब्रह्मपुरी। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन थ्री चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, देन मोबाइल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज इन डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज योअर चैप्टर नंबर थर्ड एंड अवर चैप्टर नंबर फोर्थ। ओके, सो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? ओके, तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग मींस क्या होता है, हम मल्टीपल इनपुट्स जो होते हैं, सपोज एट अ टाइम हमको मल्टीपल नंबर्स ऑफ इनपुट देने हैं, तो एक डिवाइस होता है मल्टीप्लेक्सर, वो क्या करता है, सब इनपुट को एक ही मल्टीप्लेक्सर में हम इनपुट देते हैं, वो सब इनपुट को क्या करता है, कंबाइन करता है और सभी इनपुट को ट्रांसमिट करता है थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइंस और सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम टू दी रिसीवर साइड। ठीक है, फिर रिसीवर साइड में क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर होता है। डी मल्टीप्लेक्सर अपोजिट वर्क करता है ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल इनपुट कंबाइन होने के बाद सिंगल इनपुट बनता है और ट्रांसमिट होता है रिसीवर के साइड में, तो रिसीवर के साइड में डी मल्टीप्लेक्सर होता है जो क्या करता है, जो सिंगल कंबाइन इनपुट आया है उसको वो डिवाइड करता है ओरिजिनल जो मल्टीपल नंबर्स ऑफ इनपुट्स है उसमें। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है मल्टीपल ओरिजिनल आउटपुट्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच मल्टीपल डेटा चैनल्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल डेटा और फिजिकल चैनल एट द सोर्स। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ओवर अ सिंगल मीडियम। ये बता दिया है कि नंबर्स ऑफ इनपुट होते उसको कंबाइन करता है और कंबाइन जो सिग्नल है वो सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड हार्डवेयर यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डू द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। देन मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, दैट इज मक्स, दैट कंबाइंस यन इनपुट लाइन्स टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन्स। ओके, यन नंबर ऑफ इनपुट लेते हैं, दैट इज मल्टीपल इनपुट लाइन्स, उसको कंबाइन करता है सिंगल आउटपुट लाइन में। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज मेनू टू वन, दैट इज यन इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट लाइन्स। ठीक है, मेनी टू वन मीन्स यन नंबर ऑफ इनपुट होता है और उसका जो आउटपुट होता है वो सिंगल आउटपुट होता है, दैट इज मेनी टू वन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर है हमारे सोर्स के साइड में और ये रिसीवर साइड में डी मल्टीप्लेक्सर है, दैट इज डी मक्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो यन इंटू वन होता है, मीन्स मेनी टू वन होता है, मीन्स ये मेनी नंबर्स ऑफ इनपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में, वो इनपुट जाता है और वो सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज मेनी टू वन। और जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो वन टू मेनी होता है, मीन्स वन सिंगल इनपुट जाता है और मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये मेनी टू वन एंड वन टू मेनी। ठीक है, सो डी मल्टीप्लेक्सिंग इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे मल्टीप्लेक्सिंग कंबाइन करता है तो डी मल्टीप्लेक्सिंग उसको सेपरेट करता है या डिवाइड करता है। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर, दैट इज डीमक्स, अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड। देन डीमक्स सेपरेट अ सिग्नल इनटू इट्स कंपोनेंट सिग्नल, देयरफॉर वी कैन से दैट डी मल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज वन टू मेनी अप्रोच। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मल्टीप्लेक्सर इज मेनी टू वन अप्रोच एंड डी मल्टीप्लेक्सर इज वन टू मेनी अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये मेनी नंबर्स ऑफ इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और डी मल्टीप्लेक्सर सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल नंबर्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन तो ये नो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स जैसे
ये फोर नंबर ऑफ कंप्यूटर है, ये फोर नंबर ऑफ कंप्यूटर है, इसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो ये 1 to 1 डेटा सेंड कर रहे हैं, पर उनको डेटा सेंड करने के लिए फोर कम्युनिकेशन चैनल लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग में ये फोर नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये फोर नंबर ऑफ कंप्यूटर के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है, बट सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उनका जो कम्युनिकेशन है या डेटा ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल हो रहा है इन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग में क्या कर लिया उन्होंने, ये फोर नंबर का जो इनपुट है चारों कंप्यूटर से वो इन्होंने इनपुट लिया, डेटा लिया, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर ने उसको कंबाइन किया और एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू उसको सेंड किया, और डी मल्टीप्लेक्सर में फिर उसको सेपरेट करता है, उसका डेटा इसके पास, इसका डेटा इसके पास, इसका डेटा इसके पास, ऐसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है डी मल्टीप्लेक्सिंग में। विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग वी रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एज कम्पेयर टू यूज इन मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। देन है वाई मल्टीप्लेक्सिंग। अभी मल्टीप्लेक्सिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर क्यों हमको यूज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी मल्टीप्लेक्सिंग में अगर यूज नहीं किया तो हमको सिंगल कम्युनिकेशन के लिए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है, मल्टीप्लेक्सिंग में हम कंबाइन करते हैं तो जो हमारा कॉस्ट है कम्युनिकेशन मीडिया का, ट्रांसमिशन मीडिया का, वो कम होता है, क्योंकि हमको मेनी नंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के बदले सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन चैनल जो है या ट्रांसमिशन मीडियम है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो इफ देयर आर मल्टीपल सिग्नल टू शेयर वन मीडियम, देन द मीडियम मस्ट बी डिवाइडेड इन अ सच वे दैट ईच सिग्नल इज गिवन सम पोर्शन ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, अगर सिंगल चैनल है, अगर उसकी या कम्युनिकेशन मीडियम है या ट्रांसमिशन मीडियम है, अगर वो हमको मल्टीप्लेक्सिंग में यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, अगर उसकी बैंडविड्थ सपोज 100 है और हमको 10 नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट करना है एट ए टाइम, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, बेसिकली सबको 10 10 10 10 यूनिट से उसकी बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मीन्स एट ए टाइम जो चैनल की बैंडविड्थ जो है उसको डिवाइड कर दिया आपने जितने नंबर ऑफ इनपुट में, और फिर उतनी ही बैंडविड्थ जो डिवाइडेशन चाहिए वो ही सिर्फ सिंगल इनपुट के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अभी एट ए टाइम हम नंबर्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स एंड टू रिसीवर एंड, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ सिग्नल का थोड़ा ये होता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या करते हैं, वो एक गार्ड फ्रिक्वेंसी या गार्ड बैंड करके एक पोर्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर 10 की बैंडविड्थ है तो वो 9 की बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, और बीच में का जो पोर्शन है 1 बैंडविड्थ का वो सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है, जिन्हें जो कि जो मिक्सिंग ऑफ सिग्नल है वो ना हो पाए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग है। देन व्हेन मल्टीपल सिग्नल शेयर द कॉमन मीडियम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओके। देन मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स सच कोलिजन, ओके। देन एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर अ सिग्नल मीडियम, सिंगल मीडियम, द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली, ठीक है। तो अगर उसकी कम्युनिकेशन मीडिया की बैंडविड्थ 100 की है और हम सिंगल ही सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसको बैंडविड्थ सपोज 10 की जरूरत है, उसकी 90 बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट जा रही है, तो मल्टीप्लेक्सिंग की अगर हम यूज करते हैं तो पूरी की पूरी बैंडविड्थ जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाती है, एंड सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर वो डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। अभी मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा जो केबल कनेक्शन होता है या टीवी में जो केबल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो केबल होता है वो सिंगल वायर का होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, हम टार प्लस के लिए अलग केबल लगाते हैं, जी टीवी के लिए अलग केबल लगाते हैं, कलर्स के लिए अलग केबल लगाते हैं, नहीं। एक ही केबल के थ्रू हमारे मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ इनपुट जो है वो हमारे टीवी के ऊपर आते हैं, है ना। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। और फिर वो क्या होता है, हमारी जितनी भी बैंडविड्थ अवेलेबल है केबलिंग के लिए, तो उसमें फिर हर एक चैनल को एक फ्रिक्वेंसी असाइन की जाती है या बैंडविड्थ असाइन की जाती है, उसी बैंडविड्थ में फिर वो चैनल आता है, ठीक है। तो एट अ टाइम हम हमारे चैनल टीवी पे 300 से ज़्यादा चैनल देखते हैं, मीन्स एट अ टाइम अबाउट 300 इनपुट हमारे टीवी पे आते हैं, और फिर हम उसको कौन सा देखना है पर हम पे डिपेंड होता है कि हम वो फ्रिक्वेंसी पे मैच होता है और वो चैनल हमको दिखता है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। देन है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। फर्स्ट वन इज द फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
ये दो बोथ आर एनालॉग टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड वन इज डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग एंड लिस्ट एनी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ इनपुट जो है वो कंबाइन किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है सिंगल चैनल के ऊपर। ओके, एंड देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन एंड टाइम डिवीजन। देन एडवांटेज हमने देख लिए, सिंपल एंड ईजी है, सिग्नल सिंगल ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होता है और बैंडविड्थ जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होती है। ठीक है, देन फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अभी फर्स्ट टाइम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग का, वो है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो अभी फ्रिक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है कि जो चैनल की जो फ्रिक्वेंसी है वो जो डिवाइड होती है मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल में। सपोज हमने चैनल की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्स है और हमको 5 नंबर्स ऑफ इनपुट एट अ टाइम सेंड करने हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 20 हर्ट्स। तो एक एक इनपुट सिग्नल को 20 हर्ट्स ऐसी फ्रिक्वेंसी डिवाइड की जाती है और वो 20 हर्ट्ज के ऊपर ही एक इनपुट जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है दूसरा 20 हर्ट्ज के ऊपर। ऐसी पूरी जो बैंडविड्थ है या फ्रिक्वेंसी है कम्युनिकेशन चैनल की जो 100 हर्ट्ज है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मीन्स जो भी कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिवाइड होती है अमॉन्ग द नंबर्स ऑफ इनपुट सिग्नल। ओके, सो इट इज़ अ एनालॉग टेक्निक। यस, इट इज एनालॉग टेक्निक। सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आर कंबाइंड इन टू अ कंपोजिट सिग्नल एंड इज ट्रांसमिटेड ऑन अ सिंगल लिंक। देन बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक शुड बी ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द वेरियस चैनल। ओके, देन ईच सिग्नल इज हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, दस चैनल आर सेपरेट बाय द स्ट्रिप ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ कॉल्ड गार्ड बैंड। ओके, अभी बोला था ये गार्ड बैंड का कंसेप्ट, जैसे हम डिवाइड तो करते हैं बट वो यानी कंबाइन करते वक्त वो एक मेक के साथ ही है, मीन्स इसका 10 हर्ट्स होगा और एक का 11 हर्ट्स होगा, तो वो पास पास में है तो इसमें कोलिजन का खतरा होता है। ठीक है, तो वो कोलिजन नहीं होना चाहिए, दो सिग्नल जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए या दो चैनल के जो कंटेंट हो मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए दो इनपुट के बीच में एक स्ट्रिप्ट होती है अनयूज बैंडविड्थ की, उसको हम गार्ड बैंड कहते हैं टू प्रिवेंट दी ओवरलैपिंग। देन है ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ इनपुट है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है यानी कंबाइन कर रहा है। अभी ये कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल का अगर फ्रीक्वेंसी 100 है तो तीन चैनल में 100 के लिए फिर ये 30 का होगा, ये 30 का होगा, ये 30 का होगा, यानी थ्री चैनल में डिवाइड कर ली, यहाँ पे 30 30 सेंड कर दी, यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे फिर वो सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड की जाती है अमॉन्ग द इनपुट लाइन, जितने इनपुट लाइन्स होंगे उतने इनपुट लाइन्स में जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड हो जाएंगे। देन ये सिमिलर है चैनल वन चैनल टू चैनल थ्री पर एट अ टाइम पे वो नंबर ऑफ सिग्नल सेंड होते हैं, जैसे हमारा टीवी का एग्जांपल ले लो, एट अ टाइम हमको नंबर्स ऑफ चैनल जो है वो हमारे टीवी में यानी इनपुट आते रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 बजे सिर्फ स्टार प्लस आता है, 2 बजे जी टीवी आता है, 3 बजे सोनी मैक्स आता है, ऐसे एक्सेट्रा नहीं, एट अ टाइम वो सब चैनल आते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा चैनल सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एट अ टाइम सब चैनल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। और ये नोटेशन, ये नो स्टेशन मीन्स ये गार्ड बैंड है जो तो मिक्सिंग सिग्नल नहीं होनी चाहिए इसलिए। ओके, फिर ये ऑप्टिमम प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है।